फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो गाइस, तो फर्स्ट लेसन में आप लोगों का स्वागत है वन मैन बिजनेस आर्मी के। ये जो लेसन है, जो कोर्स है, मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं एक बिजनेस मैन को ओवरऑल डेवलप कर सकूं। जो हमारा जो ये कोर्स है इसके अंदर जो पहला लेसन है वो है कि जो डिफरेंस होता है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड और LLP और पब्लिक लिमिटेड के बीच में। तो सबसे पहला लेसन ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यार जनरली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चैलेंज होता है कि यार मैं स्टार्ट कैसे करूँ, किस पार्टनरशिप बनाऊँ, अकेले में स्टार्ट करूँ, LLP क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो नहीं पता होता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले बिजनेस की सबसे पहले अगर हमारी नींव मजबूत होगी तभी मेरा जो बिजनेस है वो आगे बढ़िया हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम अगर इसके बीच में डिफरेंस समझ जाएं कि क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ अगर हम समझ जाएंगे उसके बाद ही हम अपने बिजनेस को बेटर वे में कर पाएंगे। लेकिन वो करने से पहले, डिफरेंस करने से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि किस तरीके की कंपनी कैसी है। तो हम इसके नाम से इसको पहचान सकते हैं। नाम से कैसे पहचान सकते हैं, जैसे अगर जो पार्टनरशिप और जो सोल प्रोवाइडर होता है वो नाम के लिए कुछ भी रेगुलेशन नहीं है तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। राम एंड श्याम कंपनी, राम एंड श्याम एसोसिएट्स, राम एंड श्याम एंटरप्राइजेस, कुछ भी रख सकते हैं आप प्रोप्राइटरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर। बात आई LLP की, तो LLP के अंदर जो नाम होता है वो LLP पीछे आना चाहिए। तो राम एंड श्याम LLP तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, LLP अगर पीछे लगा हुआ है तो वो LLP होगी कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड के केस में पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा, लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड के केस में पीछे लिमिटेड लगा होगा। अब यार अब ये पांच कंपनी में से एक पब्लिक लिमिटेड को हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि पब्लिक लिमिटेड जब बनानी पड़ती है मेरे को, कुछ उसके अंदर रेगुलेशन ऐसी होती है जब मेरे को बनानी पड़ती है, जब मेरा बिजनेस अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तो मतलब उसके अंदर मेरा अच्छा खासा टर्नओवर हो जाता है, जब मेरे को पूरी पब्लिकली उसको ट्रेड करना होता है, पब्लिकली कहीं पे ले जाना होता है, पब्लिकली लोगों के उसके अंदर मान लीजिए शेयर होल्डर मेरे को बढ़ाने हैं, पब्लिक के अंदर लिस्टेड करवानी है, तब वो बात आती है। तो इनिशियली मेरे ख्याल से बिजनेस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो बाकी हम चार कवर करेंगे इसके अंदर, जो भी है हमारा सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो हम कवर करेंगे और उन चारों को समझेंगे इसके अंदर। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज सच इनिशियल स्टेज पे कुछ जरूरत नहीं होती है। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम लिस्टेड करवाने जा रहे होते हैं तब उसकी नीड होती है। तो ये जो चारों जो हैं इसके हम डिफरेंसेस समझते हैं ताकि आपको बेनिफिट्स और जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो आपको समझ में आए, तो एक एक करके उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से एक्ट के अंदर ये एप्लीकेबिलिटी आती है, जैसे प्रोप्राइटरशिप बनानी है मेरे को, प्रोप्राइटरशिप का मतलब इंडिविजुअली, मतलब मैं अकेला रन करना चाह रहा हूँ, पार्टनरशिप बनानी है, LLP बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, ये कौन से एक्ट में लिखा हुआ है। तो जैसे सोल प्रोवाइडर है, इंडिविजुअल है, वो किसी एक्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसके अंदर आप कल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंडिविजुअली कल से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद बात रही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो आप कंपनीज एक्ट 2013 है उसका आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केसेस के अंदर। और बात रही LLP की, तो आपको LLP एक्ट 2008 आपको देखना पड़ेगा और उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। उसके बाद बात रही इसके अंदर कि आपको जो इनकॉर्पोरेशन है, आपको जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप सोल प्रोवाइडर आप बनना चाहते हैं, इंडिविजुअल आप बनना चाहते हैं, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। कई लोग मेरे पास आते भी हैं, वो कहते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे को ये रजिस्ट्रेशन दिलवा दो। अरे भाई किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन, आप इंडिविजुअली अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई भी सामान परचेज करके खरीदना बेचना चाह रहे हैं, तो अगर GST के अंदर अगर आपका 40 लाख तक का टर्नओवर नहीं है तो आपको कोई भी GST रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको कोई भी बिजनेस रन करने के लिए इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली जब मर्जी जब चाहे जब स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी रही पार्टनरशिप की एक्ट की बात, तो आपको जैसे एक पार्टनरशिप डेड बनानी है वो भी आप पार्टनरशिप डेड बनवाइए, अगर आप चाहें तो रजिस्ट्री करवा भी सकते हैं। अगर रजिस्ट्री करवाएंगे तो वो अच्छी बात है क्योंकि वो एक लॉ के दायरे से देखी जाएगी, अगर आप रजिस्ट्री करवाएंगे उसको प्रॉपर तो रजिस्ट्रार के पास जाकर, अगर नहीं करवाएंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी पार्टनरशिप डेड वो एक वैलिड पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। उसके बाद अगर मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो उसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मुझे उसके पास फाइलिंग करनी पड़ेगी अपनी कंपनी की, मेरे को प्रॉपर फाइलिंग करनी पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाने के अंदर 7 से 10 दिन लग जाते हैं, तो आपको प्रॉपर फाइलिंग करके आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी बन जाएगी। बात रही LLP की, LLP के अंदर भी सेम प्रोसेस रहता है, आपको LLP MCA के पास ही फाइल करनी पड़ेगी LLP के लिए भी।
जो इसके अंदर जो 7 से 10 दिन लग जाते हैं फाइलिंग, इसके अंदर फाइलिंग की और अप्रूवल की है सब चीज के अंदर, और आपका LLP 7 से 10 दिन के अंदर बनके तैयार हो जाती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं मालिकों के, जो नाम होते हैं वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सबके अंदर। जैसे प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें क्या होगा, प्रोप्राइटर जो होता है वो मालिक होता है, तो प्रोप्राइटर यहाँ पे मालिक हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मालिक होते हैं वो होते हैं पार्टनर्स। अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है डायरेक्टर एक होता है शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो होते हैं मालिक। अब डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं। अब जो शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई एक बड़ा आदमी हूं और मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, अब हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं हो चलाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा किसी और को डायरेक्टर बना दूंगा ताकि उस बिजनेस को वो अपने तरीके से डायरेक्ट कर सके, ताकि वो प्रॉफिटेबल बना सके उस बिजनेस को। जो भी प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली शेयर होल्डर के पास जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कौन करेगा, डायरेक्टर। LLP के केस में क्या होता है, LLP के केस में सेम जो होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं इसके अंदर, जो कंपनी को सोली होली रन करते हैं, तो उसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं LLP के केस के अंदर। बात रही टैक्स रेट एप्लीकेबिलिटी की, तो जो हमारा जो प्रोप्राइटरशिप होती है उसके अंदर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। स्लैब रेट जैसे आपको पता होगा 0 से 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। तो इस तरीके का टैक्स रहता है, टैक्स स्लैब रेट रहते हैं। इन केस अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो काफ़ी सारी अमेंडमेंट भी आई है, काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं। तो आपको पता होगा कि अब कोई भी नई कंपनी बनती है तो उसके अंदर 15% रेट एप्लीकेबल होगा, जो भी पुरानी कंपनी है उसके अंदर 22% रेट एप्लीकेबल है। बात रही पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर 30% का जो रेट है वो एप्लीकेबल होता है। LLP के केस में सेम 30% का ही रेट एप्लीकेबल होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम शेयर होल्डर होने चाहिए, मालिक होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं प्रोप्राइटर के अंदर, तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है प्रोप्राइटर अकेला एक बंदा, तो एक ही इसके अंदर सोल बंदा एक ही होता है, तो मालिक भी एक ही है, सब कुछ वही करेगा। बाकी बात रही पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड केस में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अगर आपको 200 के ऊपर ले जाने हैं शेयर होल्डर, तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी वो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो बड़े लेवल पे बात हो जाएगी। इनिशियली अभी हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस को कैसे सेटअप करना है। तो जो मेरी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर अगर आप 200 से ज्यादा शेयर होल्डर जाते हैं, तो आपको पब्लिक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। LLP के केस में मिनिमम वही 2 और मैक्सिमम आप जितने मर्जी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईयरली कंप्लायंसेस के बारे में। तो ईयरली जो कंप्लायंसेस होते हैं हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे GST के बारे में, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद PFESI, उसके बाद जो भी एप्लीकेबल लॉस है। जैसे प्रोप्राइटर के अंदर तो कोई एप्लीकेबल था नहीं, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट, प्राइवेट लिमिटेड केस में कंपनीज एक्ट, और LLP के केस में LLP एक्ट। तो अगर मैं GST के बारे में बात करूं, तो हम इसको कंप्लायंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, और एक जो आखिरी में आपको एनुअल रिटर्न और जो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, जो GST आपको रिटर्न फाइल जब ही करनी है जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे, और रजिस्ट्रेशन तभी लोगे जब आपका जो लिमिट है, जब आपका टर्नओवर है वो एक जो अमाउंट है उससे क्रॉस कर रहा हो। जैसे गुड्स के केस में कितना है, 40 लाख जो हमने अभी डिस्कस करा, और सर्विस के केस में वही है 20 लाख। अगर 20 लाख अगर आप सर्विस के केस में क्रॉस कर रहे हैं और 40 लाख अगर गुड्स के केस में क्रॉस कर रहे हैं, तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद बात रही सेम चारों के केस में सेम यही रहेगा। सबसे पहले तो रिटर्न फाइलिंग के अंदर, चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, या फिर LLP हो। तो उसके बाद बात रही टैक्स ऑडिट की, एनुअल रिटर्न की, तो एनुअल रिटर्न भी सबके लिए कंपलसरी, जिसने मंथली रिटर्न फाइल करी उसको एनुअल रिटर्न भरना कंपलसरी है। उसके बाद बात रही GST ऑडिट की, तो GST ऑडिट पहले 2 करोड़ की लिमिट थी, अब वो बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। तो आपका अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको GST ऑडिट कराना भी कंपलसरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए GST ऑडिट करने के लिए, तो वो भी आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा अगर 5 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी टर्नओवर है तो। उसके बाद बात करें हम इनकम टैक्स की, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको स्लैब रेट, और पार्टनरशिप की जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनरशिप के अंदर 30%, LLP के केस में 30%, और कंपनीज के केस में 15 और 22%। और अगर आपको जब रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद आपको जो टैक्स ऑडिट कराना भी कंपलसरी है। टैक्स ऑडिट के अंदर जो आपकी जो लिमिट है वो, अगर मैं बात करूं जो आपकी जो लिमिट है वो है, अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख, अगर प्रोफेशनल कोई सर्विसेज दे रहा है तो 50 लाख की जो लिमिट है टर्नओवर की। अगर अदर देन प्रोफेशनल है, मतलब नॉर्मल बिजनेस अगर रन कर रहा है, तो 1 करोड़ की लिमिट है। तो आपको वो 50 लाख और जो 1 करोड़ है वो आपको अगर आपकी लिमिट क्रॉस कर रही है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना भी कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ PFESI की, तो ऑब्वियसली उसमें 20 एम्प्लॉयज़ की एक लिमिट है। अगर आप 20 एम्प्लॉयज़ क्रॉस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको मंथली बेसिस पर रिटर्न भरनी पड़ेगी। उसके बाद बात करूँ एप्लीकेबल लॉस, और प्रोप्राइटर के लिए जैसे कोई लॉज ही नहीं है तो उसके अंदर कोई कंप्लायंस की बात ही नहीं आती है। उसके बाद बात करूँ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में ऐसा सच कोई कंप्लायंस है नहीं। कंपनी जैक्ट की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे कंप्लायंसेज आ जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो काफी सारे कंप्लायंसेस आ जाएंगे। लाइक आपको ऑडिट कराना पड़ेगा जो कि कंपलसरी होगा, आपका जितना मर्जी टर्नओवर हो, मतलब ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट वो अलग ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट और GST ऑडिट के अलावा।
तो इनकम टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट के अलावा आपको एक और ऑडिट कराना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो आपका भले ही टर्नओवर जीरो भी होगा तब भी आपको वो कराना कंपलसरी है। उसके बाद बात करूं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो कि कंपलसरी है। उसके अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको कुछ मैंडेटरी रजिस्टर्स होते हैं वो करनी पड़ेगी, आपको मीटिंग जो होती है कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो 4 आपको मिनिमम होल्ड करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारे कंप्लाइंसेज होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे और काफी सारे और भी कंप्लाइंसेज होते हैं जो उसके अंदर आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा कंप्लाइंसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक इनकॉर्पोरेट करते हैं। वहीं अब हम एलएलपी की बात करते हैं। तो एलएलपी के केस में जो एप्लीकेबल लॉ होता है वो कौन सा होता है, एलएलपी एक्ट 2008। उसके केस में जो कंप्लाइंसेज हैं वो हैं, काफी सारे कंप्लाइंसेज हैं, लेकिन उसमें कुछ रिलैक्सेशन है। जैसे कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना कंपलसरी है, लेकिन इसके केस में अगर आपका 25 लाख की जब कैपिटल होगी, जब अगर एलएलपी के केस में 25 लाख की कैपिटल होगी या 40 लाख का टर्नओवर होगा तभी आपको इसके अंदर एलएलपी एक्ट के अंदर ऑडिट कराना कंपलसरी है। उसके बाद कोई मिनिमम कैपिटल, जैसे प्राइवेट लिमिटेड के केस में मेंशन करना भूल गया, उसके अंदर मिनिमम 1 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। एलएलपी के केस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 0 कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं प्राइवेट लिमिटेड के केस में, इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और काफी सारी और भी रिलैक्सेशन है एलएलपी के अंदर। तो एलएलपी में कह सकता हूं पार्टनरशिप और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोनों का मेल है, दोनों का मेल करके एलएलपी बनाई हुई है। तो दोनों का जो बेनिफिट है वो दोनों के बेनिफिट लेकर फिर एलएलपी बनाई है। तो उसी तरीके से अगर ये हो गई हमारी कंप्लाइंसेस की बात, ईयरली कंप्लाइंसेस की बात, अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। ईयरली कंप्लाइंसेस में कॉस्ट कितनी आती है प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो यार देखो कोई कॉस्ट ही नहीं है। अगर आपका कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो उसके अंदर 0 कॉस्ट है प्रोप्राइटरशिप के केस में। अगर पार्टनरशिप के केस में सेम ऐसे ही, पार्टनरशिप के अंदर भी कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि उसमें कोई कंप्लाइंस नहीं है। आपके जो भी जीएसटी रिटर्न है पीएफ ईएसआई जब भी होगी जब उसके अंदर आप मतलब उसके अंदर जैसे जीएसटी के अंदर आपका टर्नओवर से ऊपर होगा, जब आपका टर्नओवर ऊपर होगा स्पेसिफाइड लिमिट से पीएफ ईएसआई जब इंप्लॉइज ऊपर होंगे तभी आपके अंदर वो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज कोई एप्लीकेबल नहीं है। तो जब तक नहीं होगी तब तक आपकी 0 कॉस्ट है। अदरवाइज जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके कंप्लाइंसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप चाहे धंधा करें चाहे नहीं करें आपकी कॉस्ट इंकर्ड होगी, मिनिमम 50,000 इंकर्ड होगी। अगर आपके पास जीएसटी पीएफ ईएसआई नहीं है तब भी आपको 50,000 देने ही पड़ेंगे ही, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो ऑडिट होता है, काफी सारे जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है, रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो आपको ईयरली बेसिस पे करने पड़ते हैं। तो आपकी 50,000 रुपए की कॉस्ट कहीं नहीं गई। और सेम एज इट इज एलएलपी के केस में आपके जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर भी सेम आपको काफी सारी जो कॉस्ट है वो इनकर्ड करनी पड़ेगी। उसमें भी आप ये मानिए 20,000 से 25,000 का आपका खर्चा कहीं नहीं गया अगर आप बिजनेस नहीं करते तब भी। अब जो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि यार इतने सारी ईयरली कंप्लाइंसेज होगी, इतनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड की एलएलपी के अंदर, मैं क्यों बनाऊंगा प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी कंपनी, क्यों बनाऊंगा ये सारी चीजें, क्यों मैं इशू करूंगा, मैं फालतू क्यों जाऊंगा इसके अंदर जब इतने सारे नुकसान ही है इसके अंदर, तो वाई आई विल गो फॉर दिस। तो बेसिकली मैं आपको इसके 3 बेनिफिट बताता हूँ जो मेजर, तो 3 बेनिफिट है। वो पहला है लीगल आइडेंटिटी। तो जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी आप बनाएंगे तो आपको एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको एक एक्ट के थ्रू एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है कि हाँ एक चीज का एग्जिस्टेंस करता है, एक अलग पर्सन एग्जिस्ट करता है। जब आप बनाते हैं राम एंड श्याम प्राइवेट लिमिटेड तो एक अलग एग्जिस्टेंस मिल जाता है उसका, जिसको हम बोलते हैं लीगल आइडेंटिटी। तो पहला ये बेनिफिट है। दूसरा जो है वो है कि जो लायबिलिटी होती है प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के केस में वो होती है लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई बैंक से लोन लिया, आपने कोई लोन लेते हैं और उसके बाद क्या होता है आपके बिजनेस के अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है और जिसकी वजह से आप वो जो लोन है अपनी कंपनी से चुका नहीं पाते, उसके अंदर क्या होगा जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। लिमिटेड का मतलब ये है कि जितना मैंने पैसा डाला हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए डाला हुआ था और मेरी जो बैंक का जो लोन था वो था 1 करोड़ रुपए का, मान लीजिए मैं अपने बैंक का जो लोन है मेरा बिजनेस ठप हो गया मैं नहीं चुका पाया, तो जो प्राइवेट जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी जितना मैंने पैसा उसके अंदर डाला हुआ था। जो मेरे जो घर जो संपत्ति है वो मेरे से अलग है, तो वो क्या होगा मैं मेरे घर संपत्ति से कुछ मतलब नहीं है बैंक वालों को, जो मतलब है उसके प्राइवेट लिमिटेड की जो भी उसकी संपत्ति है जो मेरी कंपनी की संपत्ति है उससे मतलब है। तो एक बेनिफिट रहेगा कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। लेकिन पार्टनरशिप और जो प्रोप्राइटरशिप होता है उसके अंदर क्या होगा, प्रोप्राइटरशिप आप खुद ही आपका बिजनेस आपका घर आपका बिजनेस आपका घर, तो सब कुछ सेम ही है, तो उसके अंदर कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होगा पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के अंदर। इवन अगर कुछ आप पैसा लोन लेते हैं, अगर आप ये दोनों चीज इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके बाद आपका बैंक्रप्ट हो जाते हैं, आपका जो पार्टनरशिप है फर्म है और प्रोप्राइटरशिप है वो उसके बाद इतना पैसा नहीं होता, तब भी आपको अपने घर बेच कर इवन आपको तब वो चुकाना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये एक बेनिफिट रहता है कि आप लिमिटेड बाय शेयर हो जाते हो, मतलब जितनी आपका बिजनेस के अंदर पैसा है उतना ही आपको आप उतने तक ही आप सीमित हो, उसके बाद आपको और कुछ उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप मैंने खोली, उसके बाद प्रोप्राइटरशिप मर गया, प्रोप्राइटर मर गया तो क्या होगा बिजनेस बंद,
ठीक है, लेकिन अगर मैंने प्राइवेट लिमिटेड खोली तो अगर कोई शेयर होल्डर मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जो ये शेयर्स होंगे वो ट्रांसफर किसी और को हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है किसके अंदर, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के केस के अंदर। तो इसके अंदर ये तीसरा एक बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट क्या था, लीगल आइडेंटिटी, दूसरा था लिमिटेड बाय शेयर्स, तीसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। तो ये तीन बेनिफिट्स हैं जो मेजरली इसके अंदर मिलते हैं हमको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो माना इसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है लेकिन उसका बेनिफिट भी है अगर हम देखें इसके अंदर। तो ये थे अभी तक जो हमने डिफरेंसेस देखे, जो बेनिफिट्स देखे, एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, हमने चारों के अभी तक हमने डिस्कस करे। अब हम बात करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा चारों में से, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी। तो हम इसको एनालाइज करते हैं, चारों को देखते हैं कि कौन सा आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मान लीजिए अगर आप स्मॉल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं और आपको कोई भी बैंक लोन या फिर कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इस वक्त, तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंप्लाइंसेस कम होते हैं। और बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक लोन या इन्वेस्टर की अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो बैंक लोन और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं लीगल आइडेंटिटी के अंदर, जो कंप्लाइंसेस फुलफिल कर रहा है, जैसे ऑडिट हो गया, बाकी के जो कंप्लाइंसेस होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी को जो फुलफिल करने पड़ते हैं, तो ज्यादातर वो इंटरेस्टेड उधर की तरफ होते हैं। तो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर वो पैसा डालने से थोड़ा सा डरते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका स्मॉल लेवल पे काम है तो आप इससे स्टार्ट करिए, क्योंकि उसके अंदर कंप्लाइंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका काम आप बढ़ाने जा रहे हैं या फिर आप बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हैं या फिर आपने, आपको फंडिंग चाहिए, तो आपको फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी की तरफ देखना चाहिए। और अगर आप फंडिंग की तरफ जाने तो आई वुड रिकमेंड कि प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर एक कल्चर चल चुका है कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ही अगर एक इन्वेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, तो एक कल्चर चल चुका है कि हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें एक शेयर की ओनरशिप चाहिए। और जो अगर मान लीजिए आपको, आप बड़े लेवल पर काम करना चाह रहे हैं और मान लीजिए आपको कंप्लायंस कम रखने हैं, तो आप एलएलपी की तरफ जाइए। तो अगर इट्स अप टू यू कि आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू।